Morning kids, how are you all? I wish you all are fit and fine. In this video, I am going to tell you an interesting story. बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ. And our story name is The Cap Sailor and Monkey. और हमारी कहानी का नाम है Cap Sailor मतलब टोपी बेचने वाला and Monkey और एक बंदर की. So let's start and see how it is. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसी है ये कहानी. Once there was a cap sailor in a town. On one fine day, after he made a free from cap sails, he became very tired. He decided to sit under a big tree and take rest for a while. Soon he slept. एक शहर में एक टोपी बेचने वाला आया. दिन भर टोपियां बेच बेचकर वो इतना थक गया था कि उसने सोचा, क्यों ना एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूं. जैसे ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे लेटा तो तुरंत ही उसको नींद आ गई. क्योंकि वो बहुत थका हुआ था इसलिए वो तुरंत ही सो गया. There were many monkeys on that tree. They saw the cap sailor sleeping under the tree. Oh friends, look it down, the wonderful caps. जैसे ही उन्होंने देखा कि कैप सेलर जो है, टोपी बेचने वाला जो है, सो गया है, तो उन्होंने देखा कि उसके पास बड़े रखे हुए बैग में कितनी बढ़िया टोपियां रखी हैं. The monkeys come down one by one and took the caps from the cap sailor's bag. Then they climbed up again on the tree. जैसे ही उनको पता चला कि वो सो रहा है तो एक एक करके सारे बंदर नीचे आए और कैप सेलर के बैग में से सारी टोपियां लेकर दोबारा पेड़ पर चढ़ गए. द कैप सेलर वोक अप. ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज बैग एम्प्टी. Where are my caps? जैसे ही वो नींद से जागा और इधर उधर वो अपनी टोपियां देखने लगा, वो अपने खाली बैग को देखकर हैरान हो गया था और बोलने लगा, Where is my caps? मेरी टोपियां कहाँ हैं? The cap sailor was surprised. All the monkeys were wearing the caps. The monkeys, give me my caps. जब उसकी नजर बड़े पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी थी. उसने बंदरों से कहा, मंकीज गिव मी माई कैप्स. बंदरों, मेरी टोपी वापस करो. मंकीज, यू वॉन्ट योर कैप्स. Then he thought an idea, so he flew his cap in the air. The monkeys also flew their caps in the air. ये सब देखकर कैप सेलर ने बंदरों से कहा, मेरी टोपियां वापस करो. जब उन्होंने टोपियां वापस नहीं करी तो उसको एक आइडिया आया. उसने अपनी टोपी को हवा में उड़ाया. ये सब देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां हवा में उड़ा दी. Then cap sailor threw his cap on the ground. The monkeys also threw all the caps on the ground. इसके बाद cap sailor ने अपनी टोपी निकालकर जमीन में फेंक दी. ये सब देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर जमीन में फेंक दी.
Oh yes, the cap sailor collect all the caps, put them back in the bag and went away happily. जब बंदरों ने सारी टोपियां नीचे फेंक दी तो कैप सेलर ने सभी टोपियों को उठा के अपने बैग में वापस भरा और वहां से खुशी खुशी चला गया. से बाय 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 बाय. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज विजडम इज बेटर देन वेपन्स ऑफ वार. सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विजडम इज बेटर देन वेपन्स. विजडम मीन्स बुद्धिमानी. बेटर देन वेपन्स, बेटर मीन्स अच्छी है, वेपन्स मीन्स हथियारों से, वार मीन्स लड़ाई. हमें परेशानी के समय अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए बजाय कि कोई हथियार उठाने के. अगर कैप सेलर डंडे से या पत्थर से बंदरों को भगाता या उनसे टोपियां मांगता तो शायद वो अपनी टोपियां वापस नहीं ले पाता. मगर कैप सेलर ने अपने दिमाग और बुद्धिमानी से काम लिया और बिना हथियार उठाए उसको अपनी टोपियां वापस मिल गईं. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज विजडम इज बेटर देन वेपन्स ऑफ वार. मतलब बुद्धिमानी ज्यादा अच्छी है बजाय कि लड़ाई में हथियार उठाए जाए. सो I hope you liked the story. So, thank you children. Stay home, stay safe. Till then, bye-bye.